आज ऑफिस में मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से मैं जल्दी ही घर वापस लौट आई। लेकिन जब मैं घर लौट कर आई तो मैंने देखा कि दीदी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने उन्हें एक दो बार आवाज भी दी, लेकिन मुझे उनका कोई भी जवाब नहीं मिला। इसीलिए मैं पहले थोड़ा परेशान हुई, क्योंकि इस वक्त तो दीदी घर पे ही होती थी। मैंने सोचा कि मैं टेरेस पे जाकर देखती हूँ, हो सकता है वो किसी काम से टेरेस पे बने कमरे में गई हो। और जब मैं टेरेस के कमरे के पास पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि शायद दीदी उस कमरे में अकेली नहीं है। मुझे हैरानी हुई कि आखिर इस वक्त कौन आ सकता है, क्योंकि जीजा जी तो 2 दिन पहले ही इटली गए हुए थे। इतनी जल्दी तो वो वापस नहीं आ सकते थे। मैं अभी यही सोच रही थी कि तभी मुझे जो दूसरी आवाज सुनाई दी वो कुछ जानी पहचानी सी लगी। इस वजह से मैंने दरवाजे पे नॉक नहीं किया, बल्कि खिड़की से झांक कर देखा। और खिड़की से मुझे अंदर का जो नजारा दिखा, उसे देखकर तो मेरे होश बुरी तरह से उड़ चुके थे। मेरी बहन तो मेरे ही होने वाले पति के साथ उस वक्त वो दोनों जिस अवस्था में थे, उससे मेरी आंखें में खून उतर आया था। मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरी सगी बहन मेरा घर उजाड़ने पे तुली होगी, और मेरा होने वाला पति भी मेरी पीठ के पीछे मेरी सगी बहन के साथ ये सब कर रहा होगा। उनकी हालत साफ तौर पे बयान कर रही थी कि वो किस तरह की भावना से भरे हुए थे। मेरा नाम माधुरी है, मैं 22 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। मेरी बहन रितु की शादी आज से 7 साल पहले मेरे जीजा जी साहिल ठक्कर के साथ हुई थी। उन दोनों की अरेंज मैरिज थी। मैं और मेरी बहन हम दो ही अपने माँ बाप की संतानें थी। पापा ने हमेशा से ही यही चाहा कि उनकी बेटियों की शादी ऐसे घर में हो जहाँ पे रुपये पैसे की कोई भी कमी ना हो, और इसके साथ ही उन्हें हमेशा वो इज्जत सम्मान मिले जो उन्हें अपने घर में भी मिलता आया है। दीदी की शादी एक बहुत अमीर घराने में हुई थी। कुछ सालों के बाद ही दीदी मुंबई में जाकर शिफ्ट हो गई, और इधर एक दिन अचानक पापा ये दुनिया छोड़कर चले गए। मेरी अभी कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी और मैं मम्मी के साथ ही रह रही थी। लेकिन जैसे ही मेरी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया, और तकरीबन 2 महीनों के बाद ही मुझे एक बहुत अच्छी जॉब का ऑफर आया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो जॉब मुझे मुंबई में ही मिली थी। मैंने माँ से कहा भी कि दीदी भी वहीं पे रह रही है और अब जॉब की वजह से मुझे भी वहीं जाना पड़ेगा, तो फिर आप यहाँ अकेली रहकर क्या करेंगी, इसीलिए आप भी मेरे साथ ही चले। लेकिन माँ पापा के बने हुए उस घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। वो कहती थी कि तुम्हारे पापा की इस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, वो तो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब मैं इस घर में रह रही हूँ तो मुझे हर पल यही महसूस होता है कि मैं अभी भी उनके बहुत ज्यादा करीब हूँ। अगर मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी तो मैं तुम्हारे पापा की यादों से दूर हो जाऊंगी। उनकी ऐसी बातों से मैं बहुत ज्यादा असमंजस में थी। मैं अपनी माँ की भावनाओं की कदर करती थी, लेकिन कभी कभी कुछ फैसले भावनाओं में आकर नहीं लिए जाते। उनके लिए हमें प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। अगर मैं माँ को वहां पे अकेले छोड़कर आ जाती तो मैं हमेशा ही टेंशन में रहती कि ना जाने मेरी माँ कैसी होगी। दीदी ने भी माँ को कई बार समझाया कि जहाँ पे हम रहना शुरू कर देते हैं वहीं पे हमें अच्छा भी लगने लगता है, इसीलिए आप वहां पे अकेली ना रहें। लेकिन माँ थी कि वो अपने आगे मानने को तैयार ही नहीं थी। इसी बीच हमें पता चला कि मेरी मौसी के बेटे ने विदेश में ही किसी लड़की से शादी कर ली है, और वो वहीं पे शिफ्ट हो गया, और उससे अपना फैसला भी मौसी को साफ साफ सुना दिया कि अब वो यहाँ वापस लौटकर कभी भी नहीं आएगा, जिसकी वजह से मौसी को बहुत ही गहरा सदमा लगा, क्योंकि वो भी मेरी माँ की तरह अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। मौसा जी भी कुछ साल पहले उन्हें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। इस बीच मेरी माँ ने उनके घर जाकर उन्हें अच्छे से समझाया और संभाला। माँ ने मौसी को हिम्मत दी और कहा कि हम सब हर वक्त दुनियादारी में उलझे रहते हैं और जिम्मेदारियों को निभाते रहते हैं, लेकिन कभी खुद पे ध्यान नहीं देते। लेकिन आज देखो, हम
हम चाहे किसी के लिए कितना भी कर ले, जिसे हमें छोड़कर जाना होता है, वो एक ना एक दिन चला ही जाएगा। तो हम भी ऐसे इंसान के पीछे अपने बचे हुए जीवन को क्यों बर्बाद करें, जिससे हमारी बिल्कुल भी कदर नहीं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें भी अपने लिए जीना चाहिए? पूरी जिंदगी हम दूसरों के लिए जीते आए हैं, तो उससे हमें भला क्या मिला? मैं भी माँ की ये सारी बातें सुन रही थी और मुझे उनकी बात बिल्कुल ठीक लगी। माँ की बातों से मौसी को थोड़ी हिम्मत मिली। वो आंसू पोंछते हुए कहने लगी, तो फिर बताओ दीदी, अब मुझे क्या करना चाहिए? माँ ने कहा, तुझे याद है शादी से पहले हम दोनों बहनें कितनी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहती थी? चल क्यों ना अब आज से फिर से हम वही जिंदगी जिए और एक दूसरे का सहारा बने। माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं खुद भी बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि मैं समझ गई थी कि माँ क्या चाहती है। लेकिन मौसी अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। माँ ने कहा, तुम अपना सारा सामान बांध लो और मेरे साथ मेरे घर में रहने चलो। अब हम दोनों अपने वो सारे शौक पूरे करेंगे जो हम शादी और बच्चों की जिम्मेदारियों के चक्कर में कभी भी पूरे नहीं कर पाए। मौसी ने कहा, क्या सच में हम जो भी चाहते थे वो अब भी हम कर सकते हैं? माँ ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते? जब हम इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उठा सकते हैं, अपने बच्चों को उनके पैरों पे खड़ा कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी इच्छाएं पूरी कर सके, तो क्या हम खुद की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते? इसके बाद मौसी अपना सारा सामान लेकर हमेशा के लिए माँ के साथ वापस घर लौट आई। उन दोनों की खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश हो रही थी। सच में माँ को देखकर मेरे अंदर भी एक जिंदा दिली आ गई। मैं सोचने लगी कि माँ ने सही वक्त पे मौसी को सही रास्ता दिखाकर उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया है। अगर वो ऐसा न करती तो शायद मौसी सदमों में ही अपनी बची हुई जिंदगी गुजार देती। इधर अब मेरी भी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर हो गई थी कि माँ मेरे यहाँ से जाने के बाद बिल्कुल अकेली रह जाएंगी, क्योंकि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। माँ ने मुझसे कहा कि अब तुम दोनों बहनों को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल रखने के लिए तो मेरी बहन आ चुकी है। ये कहते हुए मम्मी और मौसी दोनों ही ठहाका मारकर हंसने लगी। अगले दिन से मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी, लेकिन इधर मैं देख रही थी कि माँ और मौसी भी अपनी पैकिंग कर रही थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो माँ ने बताया कि उन लोगों ने अपनी सारी ख्वाहिशों की एक पूरी लिस्ट बनाकर तैयार की है, जिसमें सबसे पहले वो दोनों गोवा की ट्रिप पे जाएंगे और वहां पे खूब सारी मस्ती करेंगे। उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने माँ से कहा कि आप अपना और मौसी का ख्याल रखिएगा और पैसों की बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा। 2 दिन के बाद मैं मुंबई आ चुकी थी। पहले तो मैंने दीदी से यही कहा कि मैं फ्लैट लेकर वहीं पे शिफ्ट हो जाऊंगी, लेकिन दीदी और जीजा जी मेरी एक भी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। वो कहने लगे कि नहीं, जब हमारा इतना बड़ा बंगला यहाँ पे है तो तुम फ्लैट में कैसे रह सकती हो? तुमने ये बात सोची भी कैसे? लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उनकी प्राइवेसी में किसी भी तरह की कोई खलल पड़े, इसीलिए जीजा जी के सामने तो मैंने ज्यादा बहस नहीं की। लेकिन जब मैं दीदी से अकेले में मिली तो मैंने उन्हें ये बात समझाने की कोशिश की, लेकिन दीदी ने कहा कि तुम्हारे जीजा जी इतना ज्यादा यहाँ रहते ही नहीं है जो मेरी किसी भी तरह की कोई प्राइवेसी में खलल होगी। ये तुम बी झिझक आराम से मेरे घर पे ही रह सकती हो। उनके इतना कहने पे मैं उनकी बात मान गई, क्योंकि एक बात ये भी थी कि मुंबई जैसे शहर में रहने की जगह ढूंढना यानी कि भूसे के ढेर में सुई को ढूंढने के बराबर था। मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया और वहां पे जो भी काम मुझे दिया गया उसे मैंने अच्छे से करना शुरू भी कर दिया था। मेरी ज्वाइनिंग के 3रे दिन ही वहां पे एक नए लड़के ने ज्वाइन किया। हम दोनों की क्योंकि उस ऑफिस में नए थे इसीलिए हमारी इंटर्नशिप भी साथ में ही रखी गई।
जिसकी वजह से मेरी उससे बहुत ज्यादा बातचीत होने लगी और धीरे धीरे मेरी और उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई। वो लड़का स्वभाव का बहुत ही अच्छा था, उसका नाम देव था। मुझे अब ये लगने लगा था कि मैं शायद देव को पसंद करती हूँ, लेकिन ये समझ नहीं पा रही थी कि क्या मुझे उससे ये बात करनी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरे मन में ये डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि देव मुझे पसंद न करता हो। लेकिन एक दिन अचानक देव ने अपने बर्थडे के दिन मुझे प्रपोज कर दिया। उसकी बात सुनकर मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी और मैंने तुरंत ही उससे शादी के लिए हाँ कर दी। इधर देव की फैमिली तो तैयार थी, लेकिन मुझे अभी अपने घर में इस सब के बारे में बात करनी थी। धीरे धीरे इस समय 6 से 7 महीने बीत चुके थे और इधर माँ मेरे लिए अच्छे लड़के की तलाश करने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊं कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं माँ को डायरेक्ट ये बात बता दूंगी तो ना जाने वो क्या सोचे, इसीलिए मैंने ये बात अपनी बहन को बताने का फैसला किया और दीदी के जन्मदिन पे मैंने देव को इनवाइट किया और फिर मैंने उन्हें अपने और देव के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया और उनसे ये भी कहा कि अब हमारे इस प्यार के रिश्ते को शादी के रिश्ते में बदलने की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से आपकी है। ये सुनकर दीदी बहुत खुश हो गई। हालांकि पहले मुझे लग रहा था कि पता नहीं दीदी इस रिश्ते के लिए मानेंगी भी या नहीं, क्योंकि देव की फैमिली एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी और हम लोग शुरू से ही काफी पैसे वाले थे। इसीलिए मुझे ये डर सता रहा था कि कहीं मेरी बहन इस रिश्ते के लिए इनकार ना कर दे। लेकिन दीदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने मेरी तारीफ की कि मैंने अपने लिए एक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ जीवन साथी चुना है। अब मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो गई थी, क्योंकि अब आगे की बात करना दीदी की जिम्मेदारी थी और मुझे अच्छे से पता था कि वो ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा लेगी और माँ को मेरे और देव के रिश्ते के लिए हर हाल में राजी कर लेंगी। इधर धीरे धीरे ऑफिस में काम का प्रेशर काफी बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से मेरी और देव की मुलाकातें कुछ कम होने लगी। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती थी कि काम की वजह से मेरे और देव के रिश्ते में दूरियां हो। इस वजह से मैं देव को अक्सर ही समय निकाल कर कहीं ना कहीं घूमने जाने के लिए कहती रहती थी। दूसरी तरफ माँ भी मेरे और देव के रिश्ते के लिए तैयार हो गई थी और वो जल्द से जल्द मेरी और देव की शादी कराना चाहती थी। लेकिन जब मैंने इस बारे में देव से बात की तो देव का कहना था कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसे थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि वो अपने माता पिता के लिए पहले एक अच्छा घर लेना चाहता है ताकि वो उन्हें भी उस घर में रख सके और मुझे भी। शादी के बाद हजारों जिम्मेदारियां बढ़ जाती है जिनमें वो अभी पढ़ना नहीं चाहता था। मुझे देव पे पूरा भरोसा था, इस वजह से मैंने उसके इस फैसले में हामी भर दी और कहा कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे इस सपने में तुम्हारा पूरा साथ दूंगी ताकि तुम जल्द से जल्द एक अच्छा सा घर खरीद सको। ये बात सुनकर देव बहुत ज्यादा खुश हो गया। धीरे धीरे समय इसी तरह से बीत रहा था, लेकिन अब मैं नोटिस कर रही थी कि देव ऑफिस से निकलने के बाद भी न जाने कहाँ बहुत ज्यादा बिजी रहने लगा था। जबकि इतना तो मैं अच्छे से समझ रही थी कि उसे ऑफिस के बाहर कितना काम करना पड़ता है और कितना नहीं करना पड़ता है, लेकिन वो मुझे किसी न किसी तरह के काम का बहाना बनाता रहता था, जिस वजह से मेरे मन में शक पैदा होने लगा कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है। ऑफिस में काम करते हुए भी मेरा दिमाग हर वक्त टेंशन में रहता था, जिसकी वजह से मेरा बीपी ऊपर नीचे होने लगा और एक दिन जब मेरे सर में बुरी तरह से दर्द होने लगा तो मैं ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर वापस घर आ गई। उस दिन देव भी ऑफिस नहीं आया हुआ था, क्योंकि उसे अपनी माँ को अस्पताल में दिखाने के लिए जाना था। लेकिन जब मैं घर लौटकर आई तो मैंने देखा कि दीदी उस वक्त तो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, जिस वजह से
टेरेस वाले रूम पे गई और जब मैं वहां पहुंची तो अंदर का जो नजारा देखा उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। मेरी बहन मेरे ही होने वाले पति के साथ इस तरह से थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी और तुरंत ही रोते हुए नीचे उतर आई। अब तो मेरा सर दर्द से और भी बुरी तरह से फटने लगा। मैं तुरंत ही वहां से निकल गई और एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गई। अभी भी मेरी आंखों के सामने वही नजारा तैर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और देव, उस पर तो मैं कितना विश्वास करती थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि इतने दिनों से देव मुझे क्यों टहला रहा है, क्यों वो मुझसे बहुत ज्यादा मुलाकातें नहीं कर रहा है, क्यों वो हर वक्त अपने आप को इन तरह तरह के काम में बिजी बताता रहता है, क्योंकि वो तो अपना क्वालिटी टाइम मेरी बहन के साथ बिता रहा था। जीजा जी भी ज्यादातर विदेश के ट्रिप पे ही रहते हैं। जब भी वापस आते हैं तो मुश्किल से एक हफ्ते ही रुकते हैं और उसके बाद फिर कई कई महीनों के लिए अपने बिजनेस ट्रिप्स पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से दीदी को भरपूर मौका मिल जाता है। लेकिन मैं अब फैसला कर चुकी थी कि मुझे उन दोनों की काली करतूत को मैं उनके सामने लाकर ही रहूंगी। इसीलिए मैं तुरंत ही गुस्से से उठी और उन्हें आईना दिखाने की सोचने लगी। लेकिन तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैंने उनसे ये बात कही तो शायद ही वो अपनी इस गलती को कबूल करे और फिर ये मामला बढ़ते बढ़ते माँ तक भी जरूर पहुंचे और जहां तक माँ दीदी पे ही भरोसा करेंगी, क्योंकि वो बड़ी है और शुरू से ही माँ को दीदी से ज्यादा ही लगाव है। इसीलिए मैंने खुद के गुस्से को शांत किया और खुद को समझाया कि मुझे सबसे पहले अपनी बहन और देव के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे, ताकि मैं सबके सामने उनके चेहरे से ये पर्दा हटा सकूं, क्योंकि इस सबसे ना सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी बल्कि बेचारे जीजा जी उनके साथ भी धोखा हो रहा था। मैं अपने गुस्से का घूंट पी लिया और वापस घर लौट आई। लेकिन अब मैं अपनी दीदी पे नजर रखने लगी थी, इसीलिए मैंने दीदी के कमरे में एक स्पाई कैमरा लगा दिया ताकि मैं ये देख सकूं कि वो क्या कर रही है। अगले दिन जब मैं ऑफिस में बैठी थी तो मैंने देखा, उस स्पाई कैमरे में देखा कि दीदी कहीं पे जाने की तैयारी कर रही थी। और जैसे ही दीदी तैयार हुई उसने किसी को इधर फोन मिलाया और इधर घंटी भी तुरंत देव के फोन पे बजी। देव मेरे सामने की टेबल पे ही बैठा हुआ था। जैसे ही उसका फोन बजा उसने सबसे पहले नजर उठाकर मेरी तरफ देखा और ना जाने क्यों उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। थोड़ा सा तक पकाया और फिर वो अपना फोन कॉल पे लेकर बाहर की तरफ चला गया। मैं समझ गई कि दीदी ने देव को ही फोन मिलाया है। अब तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं इस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती थी जिससे दीदी और देव को मुझ पे शक हो जाए कि मैं उन दोनों की हरकत के बारे में जान चुकी हूँ। थोड़ी ही देर के बाद मैंने कैमरे में देखा कि दीदी कमरे से कहीं बाहर निकल गई और इधर देव ने भी किसी काम का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी ले ली और वो मुझे बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल गया। मैंने भी यही तरीका अपनाया और मैं भी ऑफिस से निकल गई। इसके बाद देव का कुछ दूर पीछा करने के बाद मैंने उसे एक होटल के अंदर जाते हुए देखा था। मैं अभी बाहर खड़े होकर होटल का नाम पढ़ ही रही थी कि तभी वहां पे मेरी बहन की गाड़ी आकर रुकी। ये तो मैं बहुत अच्छे से अब जानती थी कि दीदी और देव दोनों ही यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं। मैं तुरंत ही तेजी से होटल के अंदर चली गई तो वो दोनों मुझे लिफ्ट से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखे। मैं भी उनके पीछे हो गई और उसके बाद मैंने उन्हें एक रूम के अंदर जाते हुए देखा। मुझे इस वक्त बहुत ही ज्यादा झुंझलाहट हो रही थी। ये दोनों मेरे पीठ के पीछे इतना गंदा खेल कैसे खेल सकते हैं? इनमें बिल्कुल भी शर्म नहीं बची है। लेकिन मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहती थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब कुछ कैसे देखूं। कुछ देर तक सोचने के बाद मेरे दिमाग में तुरंत ही एक विचार आया और फिर मैंने दीदी के बगल वाला कमरा बुक कर लिया और मैं उस कमरे में पहुंचकर
बैल्कनी में गई तो देखा कि सभी कमरों की बैल्कनियां जुड़ी हुई थी। यहाँ मेरी किस्मत अच्छी निकली और इसीलिए बस थोड़ी सी मशक्कत के बाद मैं दीदी के कमरे की बैल्कनी के अंदर कूद गई। मैं जानती थी कि आगे मैं जो भी देखने वाली हूँ उससे मेरे ऊपर बिजली गिरेगी, लेकिन फिर भी आज मैं सब कुछ अपनी आंखों से ही देख लेना चाहती थी। मैंने बालकनी की खिड़की से जब अंदर कमरे में झांक कर देखा तो पहले तो कुछ देर मुझे वहां कोई भी नजर नहीं आया, लेकिन इसके बाद अंदर वाले कमरे से मैंने दीदी को जिस तरह के कपड़ों में बाहर निकलते हुए देखा उससे मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बहन ने मेरे दिल के हजार टुकड़े करते हुए एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा था। दीदी देव के सामने जो बेड पे पड़ा हुआ था उस पे बैठ गई। उसका मुंह दूसरी तरफ था। मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि अंदर क्या चल रहा है। देव अंदर वाले कमरे से दीदी से कुछ कह रहा था और इधर दीदी भी उसे कोई बात कह रही थी, लेकिन क्योंकि शीशा बंद था जिस कारण मुझे दिखाई तो दे रहा था लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अभी मैं ये सब कुछ देख ही रही थी कि तभी अचानक से एक हाथ दीदी की तरफ बढ़ा और उसने कस के दीदी को अंदर की तरफ खींच लिया। ये देखकर मेरी आत्मा रो पड़ी। मैं तुरंत ही वापस अपने कमरे की बालकनी में आ गई और तुरंत ही दंदनाते हुए कमरे से बाहर नीचे लॉबी में आ गई। मैं बुरी तरह से फूट फूट कर रो रही थी कि तभी मेरे ऑफिस की दोस्त पूजा का मेरे पास फोन आया। उसने मुझसे पूछा कि आज मेरी तबीयत को क्या हो गया। मैंने उसे बहाना बनाकर बताने लगी कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लगा था। अभी मैं उससे बात कर ही रही थी कि तभी पूजा ने कहा कि देव, तुम्हें सर ने अभी अपने केबिन में बुलाया है। उसकी ये बात सुनकर मैं बुरी तरह से चौंक गई। मैंने पूजा से कहा कि क्या देव वही ऑफिस में है? तो पूजा ने कहा कि हाँ, वो तो यहीं पे है। दरअसल कोई जरूरी बात है जो जो बॉस को उससे करनी थी और उन्होंने मुझे देव को बताने के लिए कहा था। बस मैं उसे वही कह रही थी। उसके बाद मैंने फोन कट कर दिया, लेकिन अब मैं बुरी तरह से उलझ चुकी थी। अभी कुछ देर पहले पहले तो मैंने देव को दीदी के साथ उस कमरे के अंदर जाते हुए देखा था, तो फिर देव अब ऑफिस में अचानक कैसे पहुंच सकता है? ये सब क्या हो रहा था? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा सर चकराने लगा। मैं एक बार तुरंत फिर से भागती हुई अपने उसी रूम में पहुंची और तुरंत ही दीदी के कमरे के बालकनी में चली गई, लेकिन अभी भी मुझे वहां पे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि मैं कुछ देर इंतजार करती हूँ और थोड़ी देर के इंतजार के बाद मैंने जो कुछ देखा उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। दीदी अंदर वाले कमरे से बाहर निकली और उनके साथ देव नहीं बल्कि ना जाने कौन आदमी था जिसने उस वक्त तन पे कुछ भी नहीं डाला हुआ था। दीदी जल्दी जल्दी अपना सारा सामान समेट रही थी और उसके बाद वो बहुत जल्दबाजी में कमरे से बाहर निकल गई और वो आदमी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, बिल्कुल इस तरह से जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। इधर मैं भी अपने कमरे से बाहर निकली और दीदी का पीछा करने लगी। दीदी होटल से निकलकर सीधे अपने घर पहुंच चुकी थी। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसका मतलब दीदी ना सिर्फ जीजा जी को धोखा दे रही थी बल्कि वो देव को भी धोखा दे रही थी। आखिर मेरी बहन को क्या हो गया है? हमारे माँ बाप ने हमें ऐसी परवरिश तो नहीं दी थी कि हम इस तरह के काम करते। क्या मेरी बहन को बड़े शहर की हवा लग गई है या फिर उसे एक साथ कई कई मर्दों के साथ? ये सोचते हुए मुझे अंदर ही अंदर अपनी बहन से घिन आने लगी थी। अगले दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और मैं घर पे ही रह रही थी, लेकिन इस बात से दीदी बहुत हैरान हो गई। वो कहने लगी, तुमने छुट्टी क्यों ली? मैंने कहा, मेरी मर्जी, मैं रोज रोज ऑफिस जाकर बहुत स्ट्रेस फील कर रही थी और आज मैं घर पे रहकर चिल आउट करना चाहती हूँ। क्यों, इससे आपको कोई दिक्कत है? दीदी ने तुरंत ही खुद को संभालते हुए और जबरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पे लाते हुए कहा कि नहीं, मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं है।
फिर वो कहने लगी कि दरअसल मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, बस इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही थी। मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप जाइए, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद दीदी घर से बाहर निकल गई और उनके जाने के 1 मिनट बाद ही मैं भी तुरंत उनके पीछे गई। उनकी गाड़ी एक सुनसान जंगल की तरफ मुड़ गई थी, मैं भी उसी इलाके में पहुंच गई। पहले तो मैं काफी देर तक बाहर खड़े होकर इंतजार करती रही कि शायद दीदी अभी गाड़ी से बाहर आएगी, लेकिन जब वो बहुत देर गाड़ी से बाहर नहीं निकली तो मैं गाड़ी के पास पहुंच गई और मैंने जब गाड़ी में देखा तो आज फिर से दीदी देव के साथ ही गाड़ी में बैठी हुई थी। आज तो मैंने सोच लिया था कि दीदी के चेहरे से मैं ये नकाब हटाकर ही रहूंगी। देव को भी तो पता चले कि उसने मेरे साथ धोखा करके कितनी बड़ी गलती की है। मैं तुरंत ही उनकी गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो गई और जैसे ही उन दोनों की नजर मुझ पे पड़ी, उनके तो होश ही उड़ चुके थे। दीदी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझसे क्या कहें। मैं तुरंत ही दीदी की तरफ आगे बढ़ी। मुझे गुस्सा तो इतनी तेज आ रहा था कि मैं खींच कर उनके गाल पे एक जोरदार तमाचा लगा दूं, लेकिन क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन थी इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन देव को मैंने एक जोर का धक्का दिया। मैंने कहा कि तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो, तुम मेरी पीठ के पीछे मेरी ही बहन के साथ लगे हुए थे और अब तक मुझे बेवकूफ बनाते आ रहे थे। फिर दीदी कहने लगी, माधुरी तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, तुम हमें गलत समझ रही हो। मैंने कहा कि मैं आपको गलत समझ रही हूँ या आप लोग मुझे इतने समय से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपको क्या लगता है, क्या मुझे आपके इस चक्कर के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा? इसके बाद मैंने अब तक उन दोनों को जब भी साथ देखा था, जो भी चीजें देखी थी वो सारी की सारी उन्हें बता दी। मेरी पूरी बात सुनने के बाद दीदी फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली कि मैं जिस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ बस उसी वजह से मैं उस दिन देव को गले लगाए हुई थी। मैंने कहा कि अपने ये घड़ियाली आंसू मेरे सामने बहाना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब मैं आपकी किसी भी बात में नहीं आने वाली हूँ। देव मुझसे कहने लगा, माधुरी पहले अपनी बहन की पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद फैसला करना कि कौन सही है या कौन गलत। मैंने कहा, तो मैंने अब तक अपनी आंखों से जो भी देखा क्या वो झूठ था? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं एक बेवकूफ हूँ जो आंखों देखी बात को गलत समझ बैठी? देव कहने लगा कि हाँ तुम सच में एक बहुत बड़ी बेवकूफ हो जिसके दिमाग में शक का कीड़ा बैठ गया है और उसकी ही वजह से ही तुमने वो देखा जो था ही नहीं। मैंने देव से कहा कि मैं तुमसे आज बल्कि अभी अपना ये रिश्ता खत्म करती हूँ और आज के बाद तुम मुझे अपनी कभी शक्ल भी मत दिखाना। ये सुनते ही दीदी मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी कि मेरी वजह से तुम दोनों अपना रिश्ता खत्म मत करो। मैंने कहा कि आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि अब मैं जो आप दोनों के रास्ते से हट चुकी हूँ, अब तो आप दोनों खुलकर अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। इतना सुनते ही दीदी ने मेरे गाल पे खींच कर तमाचा मारा। वो कहने लगी कि तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो, तुम नहीं समझ रही कि तुम्हारी बहन पे इस वक्त क्या बीत रही है और जिस लड़के पे तुम इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो वो लड़का तुम्हारी बहन की कितनी मदद कर रहा है। मैंने कहा, हाँ वो कैसी मदद कर रहा है ये तो मैं अपनी आंखों से देख ही चुकी हूँ। इसके बाद दीदी ने कहा कि ठीक है, अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हें सारी बातें सच सच बताऊं। इसके बाद दीदी ने मुझे अपने लैपटॉप पे एक वीडियो दिखाया। वो वीडियो देखकर मेरे तो होश ही उड़ चुके थे, क्योंकि वो मेरी बहन का बहुत ही गलत तरह का वीडियो था और उसमें उनके साथ जो आदमी दिख रहा था उसे तो मैंने कभी भी नहीं देखा था। मैंने दीदी से कहा कि आखिर आपको हो क्या गया है, आप एक साथ इतने सारे आदमियों के साथ थी, मुझे आपसे घिन आती है। अगर माँ को इस सब के बारे में पता चल गया कि उनकी बेटी ऐसी निकली तो वो तो जीते जी ही मर जाएंगी।
ये सुनते ही दीदी और भी ज्यादा रोने लगी। वो कहने लगी कि तुमने भी अपनी बहन को ऐसा ही समझ लिया। मैंने कहा कि जो सच मुझे अपनी आंखों के सामने दिख रहा है वही मैं आपके बारे में सोच रही हूँ। तभी देव ने मुझे पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसने कहा कि माधुरी, भगवान के लिए कम से कम एक बार तो हमारी बात सुन लो। मैंने अपने गुस्से को जैसे तैसे शांत किया। मैंने कहा कि ठीक है, बताओ आखिर तुम लोग मुझे क्या बताना चाहते हो। उसके बाद दीदी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे जीजा जी से शादी के बाद मैं जिस तरह की जिंदगी जीना चाहती थी वो मुझे कभी भी जीने को नहीं मिली। तुम्हारे जीजा जी अपने बिजनेस को लेकर इतना ज्यादा बिजी रहते थे कि उनके पास मेरे लिए समय ही नहीं था। कई कई महीनों तक वो मुझे अकेला छोड़कर विदेश में घूमते रहते थे और इधर मैं अकेले ही उनके लिए तरसती रहती थी। इसी बीच ना जाने कब मेरी और उनके बीच दूरियां बढ़ती चली गई, क्योंकि वो जब भी लौट कर आते तब भी सिर्फ और सिर्फ अपने काम में ही लगे रहते। मेरे लिए तो उनके पास वक्त ही नहीं होता था। और जब भी मैं उनसे इस बात की शिकायत करती तो बस मुझे यही कहते कि तुम्हें आखिर कमी किस चीज की है। इतना सारा रुपया पैसा है, आराम से पार्टियां करो, घूमो फिरो, शॉपिंग करो, और तुम्हें क्या चाहिए? क्या एक इंसान की सिर्फ यही जरूरतें होती हैं? उसके अलावा और कुछ भी नहीं? धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में जाने लगी, जिसकी वजह से मैंने फैसला किया कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। इसीलिए खुद को बिजी रखने के लिए मैंने पार्टीज में जाना शुरू कर दिया और जिम भी ज्वाइन कर लिया। जिम जाने के दौरान मेरी मुलाकात हिमांशु से हुई और धीरे धीरे हमारी काफी बातचीत होने लगी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उसके प्यार में पड़ गई और फिर एक दिन हमने अपनी सारी हदें पार कर दी। मैंने हिमांशु से कहा कि अब जबकि हमारे बीच पति पत्नी वाला रिश्ता भी बन चुका है तो हमें ऑफिशियली तौर पे पति पत्नी बन भी जाना चाहिए। लेकिन मेरी इस बात पे हिमांशु ने पहले तो कुछ खास जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि वो अभी फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं है। मैंने उससे कहा कि उसके तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे इस सब में बहुत मदद कर दूंगी। इसीलिए मैं उसके बिजनेस को सेटअप करने के लिए उसे पैसे देने लगी। लेकिन एक दिन मैंने उसे एक दूसरी लड़की के साथ पकड़ लिया और जब मैंने इस बात का जवाब उससे मांगा तो उसने कहा कि वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि मैं एक पैसे वाली लड़की हूँ। ये सुनकर तो मुझे बहुत गहरा धक्का लगा। उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं आज के बाद हिमांशु से कभी भी नहीं मिलूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये तूफान से आने के पहले का आगाज था। इसके बाद अगले दिन मेरे एड्रेस पे किसी ने एक चिप पोस्ट की और जब मैंने चिप को अपने फोन में डालकर देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि उसमें मेरा और हिमांशु का वीडियो था। उसे देखकर मेरी तो दुनिया ही हिल गई। अगले दिन ही जाकर मैंने उस चिप के बारे में हिमांशु को बताया, जिससे हिमांशु भी बुरी तरह से घबरा गया। उसके बाद मेरे पास धमकी भरे कॉल्स आने लगे कि अगर मैंने सामने वाले शख्स की मुंह मांगी रकम नहीं दी तो वो इस चिप को मेरे हस्बैंड के पास भेज देगा। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत बुरी तरह से डर गई। मैंने हिमांशु से कहा कि ये सब तुम्हारी चाल है, मैं जानती हूँ कि तुमने पैसों की खातिर मेरे साथ ये सब कुछ किया है। लेकिन हिमांशु अपनी इस बात से पूरी तरह से मुकर गया। वो कहने लगा कि मैं मानता हूँ कि मैं अमीर लड़कियों को अपने प्यार में फंसाता हूँ ताकि उनसे पैसे ऐड सकूं, लेकिन ये सब कुछ मैंने नहीं किया। पर मुझे अब उस पे रत्ती भर भी विश्वास नहीं था, मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। 2-3 दिन के बाद ही मुझे पता चला कि हिमांशु तो इस शहर को छोड़कर ही जा चुका था और अब मैं इस जाल में अकेले फंस गई थी। इसके बाद
उस कॉल करने वाले शख्स ने मुझसे कई बार बहुत बड़ी बड़ी रकम की डिमांड की, जो मैं उसकी पूरी करते चली गई। लेकिन सिर्फ एक दिन उसने अपनी जो मांग मेरे सामने रखी, उससे तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। उसने मुझसे कहा कि अब तक मैं जो हिमांशु के साथ करती आई, वो मुझे उसके साथ करना होगा। मैंने उसके आगे बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। और फिर मजबूरन मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ी। इसी सबके बीच एक दिन जब मैं उस आदमी को पैसे देने के लिए एक होटल में गई थी, तो वहां मुझे देव ने देख लिया। और जब देव ने मुझसे इस सब बारे में पूछा, तो मैं ना चाहते हुए भी देव के सामने फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि ये दर्द ना जाने कितने महीनों से मेरे सीने में दफन था और मुझे देव को सब कुछ बताना पड़ा। देव ने कहा कि वो इस सब में मेरी मदद करेगा, ताकि वो मेरा उस ब्लैकमेलर से पीछा छुड़ा सके, और इसीलिए मुझे देव से छुपकर मिलना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अब देव के अलावा और किसी को भी इस बात का पता चले। दीदी ने कहा कि उस दिन तुमने मुझे होटल में जिस आदमी के साथ में देखा था, दरअसल वो असल में वही ब्लैकमेलर है। देव ने बहुत सारे अब तक हथकंडे अपनाए हैं ताकि वो मुझे उससे बचा सके, लेकिन वो आदमी इतना ज्यादा चालाक है कि उससे ओरिजिनल चिप को निकलवाना पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और मैं इधर मजबूर हूँ कि उसकी मुझे हर तरह की मांग को पूरी करना पड़ रहा है, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे अपनी जिंदगी को खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं जिंदा रही तो या तो उसके इशारों पे नाचती रहूंगी, और नहीं तो वो मेरा तुम्हारे जीजा जी से रिश्ता खत्म करवा देगा। इतना कहकर दीदी बुरी तरह से रोने लगी। दीदी की सारी सच्चाई जानकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन्हें गले से लगाया और उनसे और देव से माफी मांगी कि मैंने उन दोनों को लेकर इतना ज्यादा गलत सोचा। मैंने उसे कहा कि आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाती, तो दीदी कहने लगी कि अगर मैंने ऐसा किया, फिर तो ना चाहते हुए भी सब कुछ तुम्हारे जीजा जी को पता चल जाएगा, और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस सब के बारे में तुम्हारे जीजा जी के कान में भी भनक नहीं पड़ने देना चाहती, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। दीदी मेरे आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि माधुरी कुछ भी करो, लेकिन मेरी गृहस्थी को बचा लो। मेरी एक छोटी सी गलती ने मेरे पूरे घर का मुसीबत लाकर खड़ी कर दी है। मैंने उससे कहा कि आप पहले घर चलिए, हम इस बारे में इत्मीनान से सोचना होगा। वो आदमी हद से ज्यादा चालाक है, और इसीलिए उसके साथ भी हमें चालाकी से ही काम लेना पड़ेगा। इसके बाद हमने एक योजना बनाई, जिसके तहत सबसे पहले मैंने एक डिटेक्टिव को हायर किया, जिसको मैंने उस ब्लैकमेलर के पीछे लगा दिया, ताकि वो उसके बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी हमें बता सके। और एक हफ्ते के बाद जो भी जानकारी हमें हासिल हुई, उसे ये बात पता चली कि वो आदमी और लोगों के निजी पलों को कैद करके उन्हें इसी तरह से फंसाने की कोशिश करता है। के लिए वो कई बार खुद भी एक से एक अमीर लड़कियों को फंसा आता है और उन पे नजर रखता है कि वो कहाँ किसके साथ जा रही है, और अगर कोई लड़की उसके खुद के झांसे में आ जाती है, तब तो उसके लिए ये काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है। मेरे लिए ये बात बहुत बड़ी थी और बहुत ही बड़ा मौका भी। मैंने दीदी से कहा कि अब आप देखती जाइए कि मैं उसे किस तरह से आपकी चिप को हासिल करती हूँ। अगले दिन ही मैं शाम को जीजा जी की सबसे महंगी गाड़ी को लेकर और बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहनकर उस क्लब में पहुंच गई, जहां वो ब्लैकमेलर अक्सर ही जाया करता था। जैसे ही उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी, वो तुरंत ही मेरे पास आकर बैठ गया, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। मैंने वहां के वेटर को पहले से ही पैसे दे दिए थे, ताकि वो मेरे बारे में उसके सामने लंबी लंबी फेंक सके, और वेटर ने मेरे कहे मुताबिक बिल्कुल ठीक वैसा ही किया। उसने मेरे
वहां से उठते ही ब्लैकमेलर के सामने मेरी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए कि मैं एक करोड़पति परिवार की इकलौती लड़की हूँ और जो अभी विदेश से लौटी हूँ। ये सुनते ही उस आदमी की आंखों में चमक आने लगी, क्योंकि उसे अपना शिकार सामने से नजर आने लगा और जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। वो मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा। मुझे बस इसी मौके का इंतजार था और शुरू में मैंने थोड़े बहुत नखरे दिखाए, लेकिन फिर धीरे से मैंने भी उससे दोस्ती कर ली। इसके बाद वो मुझे अपने होटल के रूम में लेकर गया, क्योंकि वो अपने शिकार के साथ सबसे पहले यही काम करता था ताकि उसे पूरी तरह से शीशे में उतार कर इस्तेमाल कर सके। लेकिन इस बार उसे नहीं पता था कि उसका शिकार खुद होने वाला है। जब उसने मुझसे अपनी इच्छा जाहिर की और वो बोला कि उसे मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया है और वो मुझसे शादी करना चाहता है, तो मैं भी ऐसे दिखाने लगी कि जैसे मैं भी उसकी दीवानी हो गई हूँ। और इसके बाद मैंने उसे कहा कि मुझे ये होटल मेरे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बहुत छोटा लग रहा है, इसीलिए क्यों ना हम अपना क्वालिटी टाइम मेरे बंगले में बिताएं। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो गया और तुरंत ही मेरे साथ मेरे बंगले पे आ गया। मैंने कहा कि मेरे मॉम और डैड अक्सर बिजनेस ट्रिप्स के कारण विदेश में ही रहते हैं और मैं यहाँ पे फिलहाल अकेली हूँ। इसके बाद मैं उसे जिस काम के लिए उस किराए के बंगले में लेकर आई थी उस तरफ मैंने अपना पहला कदम बढ़ाया। मैंने उसे ड्रिंक ऑफर की जिसमें मैंने पहले से ही नशीली दवा मिला दी थी। उस ड्रिंक को पीते ही वो अपने होश खो बैठा और जब उसे होश आया तो उनकी हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो बुरी तरह से रस्सियों से जकड़ा हुआ था। सबसे पहले तो मैंने और देव ने उस आदमी को जमकर पीटा और उसपे अपने गुस्से की पूरी भड़ास अच्छे से निकाली। और उसके बाद हमने उसे दीदी की उस ओरिजिनल चिप के बारे में सारी जानकारी निकलवा ली। और जैसे ही हमारे हाथ में वो चिप आई हमने उसे तोड़कर फेंक दिया और तुरंत ही पुलिस को भी हमने सारी हकीक जानकारी दे दी, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब उससे और भी पूछताछ की तो पता चला कि वो अब तक दीदी के साथ साथ न जाने कितनी ही लड़कियों के साथ ये खेल खेलते आया है और उसके पास सैकड़ों की मात्रा में इस तरह की चिप निकली जिनमें कई लड़कियों की जिंदगियां कैद थी। इसके बाद सारे सबूत जब उसके खिलाफ मिल चुके थे तो उसको सजा दे दी गई। दीदी ने मुझे गले लगाकर थैंक यू बोला कि मैंने उनकी गृहस्थी को उजड़ने से बचा लिया। मैंने भी दीदी को समझाया कि भले ही जीजा जी अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनकी पीठ के पीछे इस तरह का कोई काम करें। इससे बेहतर तो यही होगा कि वो जिस भी बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं आपको भी उनके साथ ही चले जाना चाहिए, तो इससे आपको उनका साथ भी मिल जाएगा और वो अपना काम भी कर पाएंगे। मेरी ये राय दीदी को अच्छी लगी और फिर इस सब के कुछ महीने बाद ही मेरी और देव की शादी भी हो गई, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर उसके पेरेंट्स के लिए एक अच्छा सा घर खरीद लिया था। और आज मैं देव के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल तरीके से जी रही हूँ। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए रात